हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हाल में हुए दुर्घटना के बाद यानी बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के बाद ये सवाल सुर्खियों में है कि आखिर बाबा सिद्दीकी की जान क्यों गई और सलमान खान से इनका क्या रिश्ता है, क्या दोस्ती बनी मौत की वजह। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लीजिए कि बाबा सिद्दीकी कौन है। तो दोस्तों बाबा सिद्दीकी का पूरा नाम जियाउद्दीन सिद्दीकी है। ये अपने छात्र जीवन से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। बाबा ने मुंबई के SMK कॉलेज से पढ़ाई की थी और बाबा को मुंबई में जन नेता के तौर पर जाना जाता था। अपने विधायकी काल में ये लोगों के विकास, क्षेत्रों के विकास के कार्यों से जुड़े रहने की वजह से वो आम लोगों के नेता के रूप में जाने जाने लगे थे और इस तरह से वो लोगों के बीच काफी पॉपुलर भी थे। इनकी इफ्तार पार्टियां हमेशा सुर्खियों में रही है। इनकी इफ्तार पार्टी में राजनीतिक हस्तियों से लेकर बड़े बड़े फिल्मी सितारे भी शामिल होते रहे। दोस्तों सलमान खान, शाहरुख खान से लेकर और भी कई जानी मानी हस्तियां शामिल होती रही। वैसे दोस्तों बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के बीच काफी नजदीकी संबंध रहे हैं। सलमान खान और बाबा सिद्दीकी कई समाज सेवा में साथ देखे गए हैं। दोस्तों इनकी दोस्ती की मेन वजह सोशल वर्क ही है। यहाँ तक कि कोरोना काल में बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी ने सलमान खान की टीम के साथ जुड़कर लोगों के खाने पीने, ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम कराने में बढ़ चढ़कर काम किया था। दोस्तों सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की दोस्ती जब जाहिर है, जब सलमान खान पर हिट एंड रन का केस चल रहा था उस वक्त भी बाबा सिद्दीकी उनके साथ ही खड़े थे। यहाँ तक कि काले हिरण के शिकार, जिस वजह से सलमान खान को जेल भी जाना पड़ा, उस वक्त भी बाबा उनके साथ ही थे। यहाँ तक कि केस की हर सुनवाई के दौरान भी बाबा उनके साथ खड़े दिखे। लेकिन अफसोस आज बाबा सिद्दीकी उनके बीच नहीं है। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या बाबा की हत्या की वजह सलमान खान से दोस्ती तो नहीं, क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हो कि विश्नोई समाज के लोग काले हिरण की पूजा करते हैं, लेकिन सलमान इस बात से अनजान काले हिरण के शिकार कर बैठे थे जिसकी सजा वो भुगत चुके हैं, तब भी लॉरेंस विश्नोई उनके जान का दुश्मन बन बैठा है। तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाबा की हत्या सलमान खान को डराने के लिए की गई, क्योंकि दोस्तों वक्त वक्त पर गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई गैंग की तरफ से सलमान खान को जान से मारने की धमकियां मिलती रही है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी। अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना।